रात के तकरीबन 9 बजे मुझे शाम ने कोटदू बस टर्मिनल पे सी ऑफ किया ताकि मैं सरगोधा के लिए रवाना हो सकूं। मैं खुश था कि तकरीबन एक साल के बाद चाइना वाले भाई साहब यानी मुसावर इब्राहिम और मंडी वाले भाई साहब यानी सुफियान से मुलाकात हो रही थी। मैं खुश इसलिए भी था क्योंकि एक साल के बाद दोबारा इन नमूनों की शक्ल देखने का मौका मिल रहा था। खैर तकरीबन 7 घंटों की मसाफत के बाद आखिरकार सुबह 4 बजे मैं सरगोधा टर्मिनल पहुंच गया जहां पे लाला जी मेरे इंतज़ार में पहले से ही मौजूद थे। अच्छा जी, ये लाला जी लेने आए हैं मुझे सरगोधा टर्मिनल से, आप इसे देख सकते हैं। वेलकम लाले। अभी टाइम क्या है, 4 का टाइम तकरीबन, 4 का टाइम सुबह के 4 है। बाकी इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं आपको और अच्छे फ्रेश होके आपको बड़ी गंदी तो यहाँ से चलते चलते हमने कुछ देर सरगोधा टर्मिनल की तारीफें की और मौसम खुशगवार होने की भी खुशी मनाई। और फिर मुसव्वर के घर की तरफ रवाना दवा थे ताकि सुबह ताज़ा दम होकर अपनी पुरानी यादों को दोबारा से ही रिफ्रेश किया जा सके। सी यू देयर इन, अच्छा सुबह सुबह मुलाकात होगी, सी यू। टाइम हो रहा है तकरीबन 1:35 सर, में इसने सुला दिया था सवेरे में, कहता कि पूरा दिन अगर बाहर घूमना है तो उससे पहले अच्छा है तुम सो जाओ। ठीक है, अभी हम मैं रेडी हूँ सवेरे से और नहाने के लिए, अभी हम बाहर निकलते हैं कुछ अपनी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, इंशाल्लाह आप भी उस उन यादों का हिस्सा बना बनाने की कोशिश करें। सी हमारे जो क्या कहते हैं एक क्लास में कह सकता हूँ कि जहाँ हमारे पॉइंट्स थे हम अक्सर बैठे हुए थे और उन पॉइंट्स से रिलेटेड स्टोरीज सी यू देयर। हम बाहर अभी निकले हैं, मुसव्वर साथ है, थैंक्स टू मुसव्वर, गर्मी है लेकिन मज़ा आ रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो पीछे ये यूनिवर्सिटी का गेट है वहाँ पे, तो हमने पार्टिसिपेट किया था मास्टर पेंट वालों की तरफ से। मैं आज देख रहा हूँ बड़ी खुशी हुई, 2 साल के बाद भी ये ऊँट यहाँ पे है। सवेर और मैंने बनाया था, सूखी उस वक्त आया नहीं था, उसको बड़ा कहते रहे थे नहीं यार सीरियसली, उस दिन पूरा दिन हमने स्पेंड किया था इस ऊँट को बनाने में। और ये देखें हमारा वैसे लोगो था हॉर्ड ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का खजाना, एक कमाल का एक्सपीरियंस था यार, वो दिन भूलता नहीं। नहीं यार सीरियसली, पर बर्गर भी खाया था यहाँ बैठ के मुझे याद है। खैर मैं आपको ना हाईलाइट्स में वो तस्वीरें भी दिखा दूंगा। अभी हम पता नहीं कहाँ जाने लगे, अभी हम थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, विंडो शॉपिंग, पैसे नहीं है हमारे पास, नहीं शॉपिंग करेंगे यार लल्ले यार, वो विंडो मेरा भाई चाइना से आया है करवाएगा शॉपिंग। चलो अभी आपको मॉल के अंदर लेके चलते हैं, बाकी बातें मिलती है। सही हो, मैं बताना भूल गया था ये वाली जो पेंटिंग थी इसका फर्स्ट प्राइज था, ये हमारे हमसाई थे, तो वो भी तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देख लें आपको पता चल जाएगा ये वाली तस्वीर विनिंग प्राइज था और बहुत अच्छा इनके साथ भी मज़े का एक्सपीरियंस रहा है, बाकी बातें बाद में। हम यहाँ पहुँचे हैं सिराफ बाजार सरगोधा और मुसव्वर साहब ने एक अनूठी गिफ्ट की है यहाँ से, और इन्होंने खुद भी पहनते हैं, इनके वो सिग्नेचर रिंग है ये वाली, दिखाएं दोबारा दिखाएं ये वाली, वैसे ये ब्लैक पहनते हैं, ब्लैक इन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया है, कहते हैं ना जो खुद को अच्छे लगते हैं दूसरों को गिफ्ट करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि जो है वो मेरा एक और भाई भी है, वो इससे नाराज होने वाला है कुछ देर बाद आने वाला है वो। नहीं वो असल में खुद लेट हुआ है, वो लेट हो रहा है, तो लेट हो रहा है, वो नुकसान उठा रहा है, वो लेट होता जा रहा है। चलिए फिर आप वो जब आएगा उसको फिर और थोड़ा सा जेलस करेंगे, एक तो वैसे जेलस हो गया क्योंकि ये वाली गिफ्ट मिली है लाले की तरफ से घड़ी, और मैंने स्टेटस पर डाल दी ऑलरेडी, और उसकी थोड़ी सी वो आके मेरी बोल देने वाला है इस टाइम, तो मैं बिल्कुल मेंटली तैयार हूँ, फिजिकली भी तैयार हूँ। हाँ बस ठीक है लल्ले, तू रेडी रह, मैं तेरे साथ हूँ। ओके तो जिसका था इंतजार वो शाहकार आ गया, ये तीसरा बंदा भी, 3 मस्केटियर्स हम इकट्ठे हो गए आखिरकार आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद, और बड़ी आगे 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 कहते हैं मेहरबान आते आते, बड़ी देर बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, नहीं आगे
उत्तर असल में हमारा जो है ना वो एन पी के का रोला पूरा हो गया, लेकिन हम बताएंगे कि एन के बाकी बातें आपको नेक्स्ट दिखाते हैं कि हम क्या गन मचाने वाले हैं। तो जनाब यहाँ पे हम पहुँचे हैं जब भी हमें भूख लगती थी हॉस्टल का खाना हमें नहीं खाना था, आज या तो हम मदीना पुलाव पे आते थे या मंगलवार बुध का इंतजार करते थे। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि हम विंडो सीट पे बैठे हैं इस टाइम, ये हमारी विंडो सीट है, अंधेरा हो गया थोड़ा सा, ये हम विंडो सीट पे बड़ी ठंडी हवा लग रही है और हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं जनाब सुफियान साहब, जुबैर हुसैन साहब, मैं आपका होस्ट किया आपके सामने जिसके लिए हम सैकड़ों करके ये चूचे की लात है, आप देख सकते हैं ये पुलाव है, ये बिरयानी नहीं है। सो जो कराची वाले भाई साहब है ना चलें अब हम खा लेंगे थोड़ा सा, आप तो रेस्ट करें फिर कल मिलेंगे। फिर इसके बाद हम गए हादी कलेक्शन पे और लाला जी ने हमें ऑफर कराई कि हम कुर्ता खरीद सकें। ये हम आए हुए हैं हादी कलेक्शन पे और लाला जी ने यहाँ पे ना क्या मिट मिट लगाई है, कुर्ता 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 लाने के लिए ले आए, पर ये भी एक बैठा हुआ है लेकिन वे नहीं लगता है लेकिन लेने आए हुए। ये देखें बहुत सारी कलेक्शन पड़ी है, जो हमें पसंद आया बाद में पता चला वो पेंटों का कपड़ा था, तो अभी डिसाइड कर रहे हैं। अच्छा काफ़ी सारे पड़े हैं। सुफियान साहब क्या ख्याल है क्या लेना चाहिए, कुर्ती लेंगे और क्या लेना, कलर बताओ ग्रे मुझे, मुझे इसकी पैंट कलर अच्छा लगता है, ये वाला कलर दे रहे हैं गुलाब के कलर किधर वाला चले लाल। थैंक यू अभी नहीं कहते थे नहीं अभी अभी तो ले ले अभी अभी थैंक यू नहीं कहते चलो चलो ठीक है चलो हम देखते हैं तब चलो कपड़ा देखते हैं। आखिरकार हमने डिसाइड कर लिया कि क्या लेना, सभी क्या लिया था मैंने ये एक कुर्ता हम सबने लेके दिया, ये जनाब ग्रे कलर का कुर्ता हमने पसंद किया है, बहुत ही मुझे इसकी पैंट अच्छी लगी, बहुत ही अच्छा कुर्ता है और इसकी क्वालिटी जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से मिलती जुलती है। ये नहीं नहीं है नहीं है क्योंकि नया ब्रांड बना है ना, उसके बाद एक नई शॉप खुल जाए जिसमें इस तरह के कुर्ते हम बस इसका वो बिजनेस इसके बारे में बाद में सोचेंगे। मैंने भी सेम कुर्ता लिया तो जब तो ये बन जाएगा बारे को भाई कुर्ता नहीं मैं आपको ये देखना ऐसे रहते हैं ये आपका ये भाई चार सालों में हमें गिफ्ट मिला है इसका, हम फिर भी सोच रहे थे यार बाकी ये कहीं ख्वाब न हो। आज ये बेसिकली मेरी ले रहे हैं तो आज मैं भी दे रहा हूँ इनको भाई माशाल्लाह। क्या ले रहे हैं, मैं आप एक सीक्रेट रिवील नहीं करता, जब हो जाएगा फिर सीक्रेट रिवील करेंगे। ये तो ले क्या रहे हो, प्यार मोहब्बत ले दे रहे हैं यार, प्यार मोहब्बत हाँ ये अच्छा, अगर पी से प्यार बनता है चलो बंद करते हैं फिर मिलेंगे। ये हादी कलेक्शन से हमने शॉपिंग की, अगर आप देखेंगे दोनों पीछे खड़े हुए हैं, अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं तो फिर शायद शाम को प्लान बने हमारा बाहर निकलने का, तो बाद में मिलते हैं। और हमने थोड़ी देर ये मैच देखा क्योंकि हम सूफी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो गाड़ी लेने गया हुआ है, फिर हमने निकलना है शूट के लिए। लाला जी क्या आज मैच नहीं था तो आज हमने मिस कर दी इनकी बैटिंग, बहुत अच्छे प्लेयर हैं और इनके जो छक्के याद है ना यूसीए वाले वो लोग तौबा करते थे। बहरहाल ये ये हमारे पीछे न्यूज़ हैं और ये टूर्नामेंट हो रहा है, लाला ने कल खेलना है, अगर मैं यहाँ होता तो आज तो हम जाने लगे हैं अभी शूट के लिए इंशाल्लाह, फिर आपसे गपशप लगाते रहते हैं। तो हम यहाँ पहुँचे हैं शाहीन इनक्लेव जहाँ पे सूफी साहब पीछे लगे हुए हैं शूट करने, और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो सनसेट हो रहा है ये देखें। हाँ जी और अभी हम इंतज़ार में हैं, जब सूफी साहब फ्री होंगे तो हमारे शूट भी करेंगे, हम भी अपना सामान सारा काफ़ी सारा ले के आए, बैग में भी है और हमारे भाई आज इस बैग में भी है तो
शूट के हाइलाइट्स मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी सी जरा व्यूज हमारे हाँ ये भैंस के लिए ओरिजिनल नहीं है नकली है और इसी तरह से है ये पूरा व्यू फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा फुक्सर वगैरह रहता हूँ लेकिन फर्स्ट एक्सपीरियंस यहाँ ये भाई असल में सूफी साहब है ना ये ब्राइडल आउटडोर करते थे इस वजह से अच्छी लोकेशन चले अभी देखते हैं आप भी हमारा शूट देखिएगा चले मिलते हैं दिखाऊं तो फोटोग्राफर शूट कैसे करते हैं तो आप देखेंगे इस तरह से ये देखें जनाब ये हमारे फोटोग्राफर साहब जो हैं वो लेट के ले रहे हैं फोटो 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 की बात है अच्छा ये हम तस्वीर बनाने लगे पता नहीं किसकी बनाने लगे बहरहाल बड़ा बड़ा मेहनत का काम है फोटो बनाना आप देख सकते हैं ये मुसव्विर तस्वीर बनने लगी और इसका रिजल्ट भी आप देखिएगा ये हैं कुछ तस्वीर जो सुफियान साहब ने हमारी बनाई और मैंने भी सुफियान साहब की बनाई थी तस्वीरें आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी बहुत गर्मी है यार यहाँ पे क्योंकि सुबह मौसम अच्छा था जब मैं आया था उसके साथ साथ गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी तो बस भी बढ़ी है यार यहाँ पे वैसे जो है ना मैं आपको दिखाऊँ तो ये आसमान पे थोड़े से बड़े कमाल का मौसम बन रहा है तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं बारिश आ रही है हाँ वैसे आ जानी चाहिए ओके सी यू हेलो आखिरी टूर अब मैं घर के लिए तैयार हो रहा हूँ लेकिन जाते जाते हमने सोचा कि मदनी शवारमा ट्राई किया जाए जो अक्सर हम रात को बाद 12 बजे उठ के 1 बजे उठ के और जब भी उठते थे इधर आ जाते थे और मज़े की बात ये हमने जितना मर्जी खाना ठूंसा हुआ ना एंड पे हमने मदनी शवारमा जरूर लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आप लोगों के जाने के बाद मैं जब सरगोधा आया तो मैंने मदनी शवारमा नहीं खाया मैंने एक दफा खाया था दिल नहीं करता इसने मुझे तस्वीर बना के सेंड की थी ज्यादती की थी बहरहाल इसने लेकिन आज फिर हम इंशाल्लाह ताला मदनी शवारमा ट्राई करने लगे थोड़ा सी दिखाऊंगा तस्वीर उसकी लेकिन उसके बाद खाना हमने खुद ही है और तब तक के लिए अल्लाह से वापसी का सफ़र आपको बताएं एक और पॉइंट था जहाँ पे हम अक्सर बैठते थे पोंडी करने के लिए तो वहाँ पे अभी जाएंगे तो देखते हैं कि क्या सीन है जी तो शी अभी कर रहे हैं हाँ हाँ चल बनना शी शी पे पे नॉन नॉन लिंग लिंग यार ये गलत लिंग 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 ख ख दी द ख ब द ज द दोबारा कर यार तुम मेरे भी ये बंदा ना हमें ना चाइनीज सिखाने के नाकाम कोशिश कर रहा है ये हमें भी नहीं पता कि ये ठीक कर और फिर मुसव्विर साहब अपनी चाइनीज का रोब झाड़ते रहे हम पर और हमें चाइनीज समझाने और सिखाने की नाकाम कोशिश करते रहे इन सब के बाद हमने चुपचाप आफियात इसी में जाने के शवारमा पकड़े और यूनिवर्सिटी रोड पे रहमान प्लाजा के साथ जाकर बैठ जाए और फिर शवारमा पकड़ कर हम बड़ी तेज़ी के साथ रहमान प्लाजा के साथ असल में वहाँ पे एक जगह थी जहाँ पे अक्सर हम बैठा करते थे उस तरफ रवाना तमा हो गए ये है हमारे यूनिवर्सिटी रोड का एक ओवरव्यू आप इंजॉय करें बाकी बातें बेंच पे बैठ के आपसे करेंगे और फिर लाला जी ने सराय की साउंड के साथ यहाँ पर बैठने का इफ्तिताह किया अल्लाह हाफिज राख छाया के मर्जियां कर दिलदार मेरा यार शाला बख्त बुलंद होली अच्छा हो यार शाला बख्त बुलंद होली असल में ये वो पॉइंट है जहाँ बैठ के हम फजूल फजूल गाने गाते थे और असल में घूमी पॉइंट असल में हमने बनाया हुआ था दिन के वक्त तो काफ़ी होते क्योंकि साउथ यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे ये रोड है यूनिवर्सिटी रोड है अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे बड़ी आमदोरफ्त होती है वैसे आजकल छुट्टियाँ हैं समर वेकेशंस हैं समर वेकेशंस के साथ साथ वैसे आज संडे भी था तो आज वो वाला रश बहुत कम था आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर साहब यार कमाल का दिन था थैंक यू सो मच फॉर कमिंग रियली 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 बहुत अच्छा दिन रहा
ये नाकाम कोशिश कर रहे हैं अंग्रेजी बोलने की। ताला जी यहाँ पर गुस्सा कर गए और चाइनीज में हमें गंदी गंदी गालियाँ निकालने लगे, लेकिन छोड़ा हमने फिर भी नहीं। और यहाँ पे भी बिस्तर वाली बात कर ही दी सूफी ने, शाबाश सूफी। थेंदा तो फरना वो बोलियो। अच्छा 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 अल्लाह लेकिन अब आप काला सबसे पीछे अब आप काला सबसे यार मेरे दोस्त यार ओए ये तो क्या कर रहे हैं, ये मैंने टोंक कर देनी है इसके अंदर क्या ये इतना देर लिए लव दे इस्तेमाल ये हजब इस्तेमाल हजब कर लिए। हां जी आप एक्सपीरियंस कैसा रहा फियान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ वेरी ग्रेट टुडे फॉर मी एंड मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं। श्रेया की गाना गा के कौन इंग्लिश में बोल रहा है? गा के बाप कर यार बहुत ही अच्छा दिन गुजरा यार और बहुत सारी मेमोरीज हमने दोबारा फिर रिफ्रेश की है। अच्छा यार वो फॉर्मल लिया तो है फॉर्मल ये खोलेगा कौन? असल में हमने वहाँ बैठ के मुनासिब नहीं समझा, ये शोर में ठीक है हम ये देखिए खाना खाया हुआ था जरा नजदीक है ना थोड़ा, ये देखिए इसकी शेप कैसे है, ये बड़ा तगड़ा शोर में तना हुआ शेर मतलब पर मतलब काट के सभी ने खाना बहुत अच्छा आया था लेकिन हमने फॉर्मल चाहिए हमने खाना खा के ठीक है मैं बस में अंदर आ जाते हैं लव इज 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 लव अभी हम सोच ही रहे थे कि वहाँ से चंद लड़कियाँ रात के वक्त गुजरी तो हमारी वो जो गोंडी वाला नशा था थोड़ा सा पूरा हो गया और सूफी जो है लगा हुआ है खाने पे, भाई शवारमा बचा दे तेरी मेहरबानी। और कुछ देर हम वहाँ पे पुरानी यादें बातें और लोगों को याद करते रहे जो वहाँ से गुजरे और गुजरते रहे या जिन लोगों का हम मुसलसल इंतज़ार करते रहते थे वहाँ बैठ कर। और फिर काफ़ी देर गपशप करने के बाद हम फिर रवाना हो गए। असल में रवाना इसलिए होना था क्योंकि मेरी गाड़ी का टाइम था 11 बजे और 11 बज चुके थे। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो करना बाकी थी लेकिन उनको नेक्स्ट टूर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। तो वो बहुत अच्छा टूर रहा, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। आपको भी कुछ बातें अच्छी लगी होंगी कुछ बुरी लगी होंगी तो इंशाल्लाह ताला अभी भी ब्लॉग में कोशिश करूँगा कि ये सारी बातें ठीक हो सके। थैंक यू सो मच। सवे साहब मुझे छोड़ने आए हैं, आखिर में क्या कहना चाहेंगे? आखिर में टू से अभी के लिए इंशाल्लाह जिंदगी बाकी इंशाल्लाह। यार सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और इस दिन को जो है वो अजीम दिन बनाया जो हमेशा याद रहेगा। और जिंदगी रही फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे एक नई उम्मीदों नई खुशियों के साथ। और तब तक के लिए अच्छा एक एक और बात मेरे स्टूडेंट्स के लिए कुछ कहना चाहूँ? आपके स्टूडेंट्स के लिए यही कहूँगा कि यार दिल लगा के पढ़ो और खुदारा मुल्क की तरक्की के लिए कुछ करो प्लीज़। और ये बंदा सीरियसली अगर इस बंदे ने चाइना जाके ना मैं आपको बताता हूँ इस बंदे के पास हर वक्त पाकिस्तान का परचम रहा है। अगर इसे गाना गाने का कहा गया तो इसने मिली नगमा गाया और उसकी भी वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं, अगर आप देखना चाहोगे तो फिर मैं दिखा दूंगा। वैसे तुम लोग मैं किसी भी सियासी पार्टी का ज्यादा नहीं हूँ, सिर्फ मैं मुल्क पाकिस्तान के लिए जो है वो कुछ करना चाहता हूँ। हमें पर्सनली तौर पर इंडिविजुअली तौर पर जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करना चाहिए वो चाहे किसी भी हद तक हो, चाहे वो कूड़ा करकट उठाने की हद तक क्यों ना हो। नहीं ये बात मैं एग्री करता हूँ। थैंक यू सो मच मुजफ्फर, बहुत अच्छा लगा यार। अल्लाह आपको यू मेड दिस डे इवन मोर स्पेशल फॉर मी। थैंक यू सो मच। सेम सेम सेम। ये बंदा आएगा मेरे पास इस वीडियो के थ्रू, इससे अहद लेना चाहता हूँ। हाँ जी बोलो कब आओगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह 6 माह बाद आई तो पूरे 6 माह बाद आऊँगा दिसंबर सर्दियों में। चलें देखते हैं सर्दियाँ भी आ जाएंगी बेटा। यहाँ 2 साल के बाद हम मिले हैं तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कल की बात। अच्छा लगा है मिल के तीनों इकट्ठे हुए हैं, बाकी बहुत सारा फन किया है। अभी मेरी बस आ गई है चल के ना सीट का भी चलते हैं सीट कन्फर्म करते हैं। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना जीना बहुत कभी न आए, तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना। याद करेगी दूर